इस बैंक निफ्टी रेडी टू गो अप? क्या बैंक निफ्टी ऊपर जाने के लिए रेडी है? चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कल हमारी क्या प्लानिंग रहेगी, कल किस लेवल पे हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करना पसंद करेंगे और क्या हमारी कल के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी रह सकती है। मेरा नाम है सी अमित पोपट और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी का अभी कर देना, जरूर कर देना। देखिए मेरे चार्ट के ऊपर कुछ लाइंस ऑलरेडी आपको ड्रॉ करी हुई मिल रही है। ये जो लेवल्स मैंने निकाले, दैट दिस लेवल्स आई हैव ड्रॉन फ्रॉम अ वीकली एनालिसिस। ओके, अगर आपने मेरा वीकली एनालिसिस का वीडियो जो कल मैंने मेरी चैनल पे अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर उसे देख लेना, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। तो देखिए लास्ट वीक की समरी क्या हुई, थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, राइट? फिफ्थ को छोटी सी कैंडल, छोटी सी कैंडल, छोटी सी कैंडल, तो यहां पे तीन दिन की एक ऑलमोस्ट छोटी सी रेंज बनाने के बाद फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को देयर वाज अ ह्यूज फॉल, बट फ्राइडे देयर इज अ वेरी वेरी शार्प रिकवरी। ओके, और यहाँ पे दो चीजें, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि आपको वीकली चार्ट जरूर देखना चाहिए, वीकली एनालिसिस जरूर करना चाहिए। सो ओवर हियर अगर आप गौर से देखो, भले आपको रेड कैंडल्स दिख रही है, बट अगर ये कल ऊपर की तरफ निकल जाता है तो यहाँ पे जो पैटर्न बनना शुरू हो जाएगी ना, दैट विल एक्चुअली बी अ हायर हाई हायर लो पैटर्न। आप यहां से देखिए, यहां पे लो बना, फिर यहां पे ऊपर गया। अगर फिलहाल के लिए इसको हम लो मान लेते हैं तो ये जो पैटर्न बन रही है दैट इज अ हायर लो पैटर्न विच इज एक्चुअली अ बुलिश पैटर्न। अगर ये 46,888 जो मैंने ऑलरेडी वीकली चार्ट से लेवल ड्रॉ करके रखा है, अगर उसको क्रॉस कर जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी एक शार्प बुल रन के अंदर चला जाएगा एंड देन वी कैन से दैट इट इज नॉट एनी मोर इन अ बेयरिश रन। खैर मंडे के लिए अगर हम प्लान करें तो जो क्लोज आया विच इज एट 45,634 और ऊपर की तरफ जो क्लोज आएगा, जो हाई बना है विच इज 45,718 का फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने हाई बनाया है। तो हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहेगी? पहली प्रायोरिटी रहेगी कि जैसे ये हाई को क्रॉस करेगा, राइट, अगर ये फ्राइडे के हाई को क्रॉस करता है मंडे के दिन, तो फिर हम उस दिन बुलिश ट्रेड लेने का ही सोचेंगे, हमारे लिए बेयरिश ट्रेड फिल आउट ऑफ द पिक्चर हो जाएगा। क्योंकि बहुत सिंपल सा रूल है जो मैं मेरे कितने वीडियोस में बता चुका हूं कि जब भी कोई भी स्टॉक, कोई भी इंडेक्स प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगे तो फिर आपको उसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढना चाहिए, फिर आपको उसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढना चाहिए। हाँ ये बात जरूर है कि अगर ऑलरेडी यू नो 45,708 के ऊपर ही बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, 200-300 पॉइंट्स का गैप अप चला जाता है बैंक निफ्टी, देन आई हैव टू वेट फॉर द रेंज। बट फिर भी ध्यान रखना, रेंज बनने के बाद भी मैं बेयरिश ट्रेड के लिए नहीं सोचूंगा, आई लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी ओनली ऑन द बुलिश साइड। एक बार अगर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के हाई को क्रॉस कर जाएगा देन वी विल ऑलवेज बी लुकिंग एंड ओनली बी लुकिंग फॉर द बुलिश कैंडल्स एंड नॉट एट द बेयरिश कैंडल्स, राइट? चलो तो पहला टारगेट जैसे हमने बताया इट विल बी 45,718। अगर 45,718 क्रॉस कर जाता है तो यहाँ पे एक लेवल बन रहा है विच इज 45,845 और 845 के बाद मेरे हिसाब से जो हमें सीधा नेक्स्ट लेवल प्लान करना चाहिए दैट शुड बी अ 46,000 बिग राउंड नंबर। ओके, सो ये हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा 46,000 का बिग राउंड नंबर। उसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी रेंज बनी हुई है तो ये लेवल को मैं देख लूंगा 46,062 और अगर जैसे ही 062 क्रॉस करेगा फिर हम 46,180 और 46,180 के बाद 46,307 तक के लेवल्स जाते हुए नजर में आ सकते हैं। तो ये मेरा कल के लिए प्लानिंग है। क्लोज से मैंने ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का प्रोविजन करके रखा है विच आई थिंक इज मोर देन सफिशिएंट और अगर इसके ऊपर जाता भी है बाय चांस तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये लेवल्स ड्रॉ करने आते ही आप नेक्स्ट हाई नेक्स्ट लो देख के डेफिनेटली लेवल्स ड्रॉ कर लोगे, आता है ना? अगर आपको, मेरे को तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंट है, अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस देखते हो, अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आई एम श्योर कि आपको ये लेवल्स ड्रॉ करने आते ही आते होंगे। बट फिर भी चलो एक बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आर यू कॉन्फिडेंट? राइट, प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आर यू कॉन्फिडेंट? यू कैन टाइप आई एम कॉन्फिडेंट, यू कैन टाइप आई हैव लर्न्ड और यू कैन से आई एम लर्निंग, वट एवर इज योर ओपिनियन, आई वुड लव टू हियर दैट। ओके फेयर, तो जहां पे क्लोज आया है विच इज 45,634 का लेवल, अगर कल बैंक निफ्टी उससे नीचे की तरफ जाना क्लोज करता है
तो पहला टारगेट हम लेके चल सकते हैं 45,540, और अगर आपको थोड़ा नीचे ले लेना है तो आप फिर इसको 45,000 के बिग राउंड नंबर, सॉरी 45,500 के एक लेवल तक पहला टारगेट लेके चल सकते हो। अगर 45,500 ब्रेक करेगा तो फिर यहाँ पे मेरे लिए क्रूशियल लेवल जो बन रहा है वो है 45,339 का लेवल। आई थिंक मेरे हिसाब से ये लेवल बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए इतनी सारी कैंडल, देखिए सही 1 2 3 4 5 6 7, और ये सारी आर्ली कैंडल है। कितनी सारी आर्ली कैंडल का या तो क्लोज या तो लो एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास ही बना है। सो वो लेवल हमारे लिए एक बहुत अच्छा लेवल बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम कहीं पे प्लानिंग करेंगे तो वो हो जाएगा 45,200 का लेवल, और 200 के बाद 45,068, उसके बाद बट नेचुरली 45,000 का बिग राउंड नंबर, और उसके बाद 44,859 जो वीकली कैंडल का लो बना हुआ है, दैट बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। तो कल मेरे यही लेवल के आसपास ट्रेड करना पसंद करूंगा। एज आई सेड, बैंक निफ्टी में मेरा व्यू जो है वो थोड़ा मॉडरेटली बुलिश है, निफ्टी में माई व्यू इज न्यूट्रल। तो निफ्टी का वीडियो भी अभी कुछ ही मिनटों के अंदर आपके पास आ जाएगा, बट बैंक निफ्टी में मेरा जो व्यू है वो मॉडरेटली बुलिश है। सो इस बात को ध्यान रख के अगर बेरिश साइड पे ट्रेड ले रहे हो थोड़ी क्वांटिटी कम रखे, और अगर हाई क्रॉस कर जाता है फ्राइडे का तो फिर बेरिश ट्रेड लेने के बारे में ज्यादा ना सोचे, फिर लुक फॉर द ओनली बुलिश अपॉर्चुनिटी। दिस इज माई व्यू फॉर टुमोरोज ट्रेडिंग। आई होप यू लव द वीडियो, आई होप यू गॉट द वैल्यू ऑफ योर टाइम। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स व्हाट इज योर बिगेस्ट लर्निंग इन दिस वीडियो। आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।